नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर लोगों का फूटा आक्रोश, आगजनी कर भिखनपुर बरेपुरा मुख्य मार्ग को किया जाम। गरीबों का निवाला छीनकर अनाज कालाबाजारी करने वाले 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में सरकारी अनाज बरामद। नगर निगम सभागार में स्थायी समिति की हुई बैठक, निगम प्रशासन ने खुद संभाली जलापूर्ति व्यवस्था की कमान। सात निश्चय योजना में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बांका के कई पंचायतों में एक साथ हुई जांच, योजनाओं में मिली गड़बड़ी। और नाथनगर में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे गुस्साए शहरवासियों ने शनिवार को आगजनी कर भिखनपुर बरेपुरा मुख्य सड़क जाम कर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने नए ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर तार बदलने और लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के साथ नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करने की मांग की। इस्लाम नगर के बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि जिस ट्रांसफार्मर से 300 से अधिक घरों में बिजली सप्लाई की जाती है, वह ट्रांसफार्मर 15 साल पुराना है, जिसके कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। मोहम्मद शेख शब्बीर मोहम्मद जावेद और फारूक ने कहा कि बढ़ती आबादी के बाद भी बिजली विभाग मोहल्ले में नया ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा है और मरम्मती के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अधीक्षण अभियंता श्रीराम सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उप महाप्रबंधक ने कहा कि स्थान चिन्हित कर जल्द ही नया ट्रांसफार्मर इस्लाम नगर इलाके में लगाया जाएगा, जिसके बाद लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम लोग का मांग यही है कि पिछले जाकर के साल भर से यहाँ वोल्टेज की स्थिति रहती है, पिछले 3 दिनों से एकदम लाइट नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है, यहाँ तक बोलने में भी शर्म आता है कि लोगों के पास लैट्रिन में भी पानी नहीं है। सरकार कब जागेगी? आखिर जब कोई हादसा हो जाएगा तब। हम लोगों ने बोला कि एक ट्रांसफार्मर दे दीजिए, लेकिन जाकर के सिर्फ निपा पोती हो रहा है यहाँ विभाग के तरफ से। सिर्फ 2-3 पोल दे करके 500 मीटर तार दे करके कुछ नहीं हो रहा है। हम तो यही बोल रहे हैं कि एक नया ट्रांसफार्मर दे दिया जाए। एक तो यहाँ पर 60 कनेक्शन उन्होंने झोपड़पट्टी में बढ़ा दिया, उसके लिए सोचा नहीं, तो यहाँ पर क्या करें सरकार की एक ट्रांसफार्मर अलग नया ट्रांसफार्मर दे दे ताकि लोग सही ढंग से जी सके। हम लोगों की मांग को पूरा नहीं हो रहा। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई की, एप्लीकेशन दिए, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद भी हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। ठीक है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि काम होगा। अगर ये काम अगर 24 घंटे के अंदर हम लोग का पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र होंगे, क्योंकि हम लोगों का आश्वासन का सहन करने का सीमा समाप्त हो चुका है। आज इसलिए जाम किया गया है कि 10-15 साल पहले ये ट्रांसफार्मर लगा था और उस समय उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 80 से 100 के बीच थी। अभी उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 280 से 300 के आसपास हो चुकी है। उसके बावजूद बिजली विभाग के तरफ से जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान में तत्कालिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा बहुत किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की समस्या का पूर्णकालिक समाधान नहीं हो पाएगा। और इसीलिए सरकार से यही डिमांड किया जाता है कि आप मतलब इसका एक ट्रांसफार्मर अलग लगा दें उपभोक्ताओं की संख्याओं को देखते हुए। कालाबाजारी के लिए ले जा रहे सरकारी अनाज के साथ पुलिस ने 4 लोग सहित पिकअप वैन से 23 बोरा गेहूं और 51 बोरा चावल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना के समीप महादलित टोले के जन वितरण प्रणाली की दुकान से पिकअप वैन में सरकारी अनाज लोड किया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सरकारी अनाज के साथ महेश राय, सुमित कुमार, संजय दास और नेपाली दास को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी श्रीकांत भारती ने कहा कि अनाज कालाबाजारी मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कंट्रोल डीलर माला देवी फरार है। भागलपुर नगर निगम महापौर कार्यालय कक्ष में शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान शहर में जल संकट से हो रही परेशानियों के समाधान के साथ
साफ सफाई, टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था सुदृढ़ करने और जगह जगह लाइट की व्यवस्था करने पर निर्णय लिया गया। शहरवासियों को लगातार हो रही जलापूर्ति की समस्या के बाद पैन इंडिया की छुट्टी कर दी गई है। वहीं अब शहरवासियों को जलापूर्ति की जिम्मेवारी खुद नगर निगम संभालेगा। इसको लेकर आवश्यक संसाधनों की खरीदारी भी की जाएगी। लोहापट्टी में नाले के अधूरे निर्माण कार्य को अगले 10 दिनों के अंदर पूरा कराया जाएगा, जबकि लोहिया पुल के नीचे सब्जी मंडी की साफ सफाई कर अतिक्रमण मुक्त कराने और पुलिस चौकी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वार्ड संख्या 1 से 38 तक की साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया गया, जबकि आवश्यक संसाधनों की खरीदारी का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति अस्थायी समिति ने दी। इस अवसर पर महापौर सीमा शाह, नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा, उप महापौर राजेश वर्मा, सिटी मैनेजर रविश कुमार, जलकल अधीक्षक हरेराम चौधरी, पार्षद संजय सिन्हा समेत अस्थायी समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के शाखा प्रभारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में लगातार मिल रही गड़बड़ियों और शिकायतों के बाद बांका डीएम कुंदन कुमार ने जांच टीम का गठन कर शनिवार को कटोरिया प्रखंड के सभी पंचायतों में 7 निश्चय योजना की जांच की। जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने हर घर नल जल और पक्की गली नाली योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच भी की गई। जांच टीम में सिविल SDO, DPRO, DTO के अलावा सभी प्रखंड के BDO शामिल थे। जांच के दौरान कई योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई है। भागलपुर नाथनगर स्थित सेंट पॉल स्कूल में 2 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दिन जूनियर बालिका वर्ग में भागलपुर की टीम ने जमशेदपुर टीम को 2-0 से पराजित कर दिया, जबकि जूनियर बालक वर्ग में धनबाद ने भागलपुर को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता अपने नाम किया। इससे पूर्व शुक्रवार को सीनियर बालक वर्ग के फाइनल में रांची ने धनबाद को 2-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में जमशेदपुर ने भागलपुर को 2-0 से हराकर विजेता बना। दोनों वर्ग के विजेता और उप विजेता टीम को रेंज DIG विकास वैभव ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैच के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इससे पूर्व मैच का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर वैजल क्वाड्रेस, सेंट जोसेफ के प्राचार्य फादर अमलराज, सेंट ट्रेसा की सिस्टर एवं वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नील कमल राय ने संयुक्त रूप से किया। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र बाईपास के समीप बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। मारपीट की घटना में दुकानदार घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं जाम के दौरान राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहुल कुमार आया दुकान में, ठीक है, दुकान में आया तो वो लोग जो पीने का पानी है वो कैंट वाला लिया जाता है, 15 से 20 रुपए में लिया जाता है, उनसे पैर धोने लगा। उनको मना करने पर कि भाई महंगा पानी है, बर्बाद मत करो, पानी अभी नहीं आया है, आएगा तो दिक्कत होगा। उसके बाद वो गाली गलौज करने लगा कि 20 रुपये में आता है, 20 रुपये का क्या मुराद है, वो हमको पहचानते नहीं हो, ऐसे बोलने लगा। उनको बात मना करने पर डोमी बाबू का गला पकड़ लिया जो दुकानदार है। उनके बाद फिर हम लोग दौड़े तो हमारे ऊपर हसवा से वार किया। उनके बाद फिर हम लोग हट गए, जब चोट लग गया तो हट गए। हटने के बाद दुकान का जो पैसा था वो भी लेके भाग गया, और गले का एक लेडीज का चैन था चांदी का शायद, वो भी ले लिया और उनका ब्लाउज और गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिल्क TV।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। भागलपुर में मोटरयान निरीक्षक VS तिवारी ने समाहरणालय के समीप दर्जनों बाइक चालकों को हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला। इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। वहीं MVI VS तिवारी ने वाहन चालकों को परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी दी। निरीक्षक ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह अभियान चलाया जाता है। बिहार सरकार प्रत्येक सप्ताह हेलमेट और सीट बेल्ट के वायलेशन के जांच की अभियान चलाती है। उसी अभियान के तहत यहां भी जांच किया जा रहा है। ये पूरे बिहार में अभियान चलाया जाता है ताकि हेलमेट नहीं पहनने से दुर्घटना होती है उस पर नियंत्रण लाया जा सके। अभी आपने देखा होगा बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं। एक सज्जन आए थे जिनके पास हेलमेट नहीं था, वो एक वकील को लेकर आए। वकील साहब ने मुझसे कहा कि मैं आया हूँ इसलिए इनको छोड़ दीजिए। मैंने कहा वायलेशन है, आपको फ़ाइन देना है, फ़ाइन दीजिए और चले जाइए। फ़ाइन देने वाले से उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि फ़ाइन दो, इनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। मैंने कहा जहां आपको बुलाना हो बुलाइएगा, मैं कानून के ऊपर नहीं हूं, तो अपना पूरा नाम लिख के दीजिए। मैंने सिग्नेचर किया, मोहर लगा हुआ, उनको इस रसीद दिया। उनका जीत था कि पूरा नाम लिखिए। मैंने नाम बताया, पता बताया कि मैं ज़िला का MVI हूँ। उनके गुस्से का प्रकाष्ठा था कि वो बोले कि आपको मैं कोर्ट में खींचूंगा। मैंने कहा सर जहां बुलाना हो बुलाइएगा, कानून के दायरे में, मैं कोई वायलेशन नहीं कर रहा हूं। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से शनिवार को चमकी बुखार से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता रथ को भागलपुर सदर SDO आशीष नारायण एवं सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को AES से बचाव के तरीके बताए गए और ORS का पैकेट बांटा गया। अभी जो चमकी बुखार से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और ये मुजफ्फरपुर में तो एक महाप्रकोप के रूप में था, लेकिन यहाँ भी आ रहा है, तो इसी को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी ने विचार किया है कि गांवों में जाकर हम लोग चमकी बुखार से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको हम लोग शेयर करें कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बचाव के क्या तरीके हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग लोगों को बताएंगे। इसका साउंड सिस्टम भी हम लोगों ने तैयार किया है और ORS भी बांटेंगे और पंपलेट भी बांटेंगे। भागलपुर के उप विकास आयुक्त कार्यालय में शनिवार को 7 निश्चय योजना के तहत चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने को लेकर DDC सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। DDC ने कॉलेज के प्रतिनिधियों से कहा कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन काफी कम छात्रों के आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं जिससे कि छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। DDC ने सभी कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से सेल का गठन कर ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पदाधिकारी और सेल के पदाधिकारी संपर्क में रहेंगे तो सरकार की योजना का सही लाभ छात्र छात्रों को मिल सकेगा। कॉलेज के प्रतिनिधियों ने DDC योजना की सफलता के लिए प्रचार प्रसार की बात कही। मौके पर दीपक कुमार MS कॉलेज से, डॉक्टर विभू कुमार राय के अलावा MS कॉलेज, GV कॉलेज नवगछिया समेत कई कॉलेज के प्रतिनिधि एवं कई पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर कचहरी परिसर स्थित बिहार पेंशनर समाज भवन में शनिवार को पेंशनर समाज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी पेंशनर समाज शाखा के पदाधिकारियों के साथ सभापति उमेश चंद्र चौधरी एवं सचिव कपिल देव राय ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रवरण, वेतनमान और पटना हाईकोर्ट में पे ग्रेड की अद्यतन स्थिति पर समीक्षा की गई। इसके अलावा संगठन के पत्रिकाओं का वितरण किया गया, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विश्वनाथ सिंह, जनार्दन प्रसाद सिंह, हरप्रीत सिंह, अखिलेश सिंह समेत पेंशनर समाज के विभिन्न के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के 5वें दिन पेपर 6 की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के लिए आवश्यक इंतजाम भी किए गए थे। इस दौरान प्रथम पाली में इतिहास, मैथिली, पारसियन एवं आर्ट क्राफ्ट की परीक्षा हुई, जबकि द्वितीय पाली में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की परीक्षा
परीक्षार्थियों ने दिए। वहीं एडमिशन सेंटर पर छात्राओं की भीड़ जुटी रही। स्नातक पार्ट वन में नामांकन के लिए विभिन्न जगहों से आई छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया, जबकि कई छात्राओं ने दूसरे कॉलेज की सूची में अपना नाम आने पर CLC के लिए आवेदन दिया। शुक्रवार से स्नातक पार्ट वन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 4 जुलाई तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में सुचारू ढंग से नामांकन की प्रक्रिया जारी है और सभी आवश्यक कागजात एवं प्रमाण पत्र लेकर छात्रा नामांकन के लिए आए। साथ में प्राचार्य ने कहा कि SC ST की सभी छात्राओं को डेवलपमेंट में 75 रुपये की छूट दी जा रही है और हॉस्टल में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, 4 तारीख तक ये फर्स्ट लिस्ट चलेगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट जब निकलेगा तो उसके आधार पर नामांकन होगा। इसमें जिन जरूरी कागजातों पर लाना है, सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ओरिजिनल लाना है, CLC मस्ट है, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है जिसको लगता है, उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता है और कोई सुविधा नहीं हो रही है। सारे हेल्पलाइन बनाया हुआ है, हेल्प डेस्क है जिस पर सबों को सारी सूचना है। हाँ, उसको एडमिशन के समय जो उसमें 75% भागलपुर गुड़हट्टा चौक के समीप KGN इंटरप्राइजेज और भारत फर्नीचर के शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। शोरूम का उद्घाटन साजंगी पंचायत की मुखिया शबाना खातून, मुखिया पति मोहम्मद मंजूर एवं संचालक मोहम्मद गफार खान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों ने शोरूम में रखे हार्डवेयर के सामानों को घूम घूम कर देखा और वेस्ट कलेक्शन के लिए संचालक की जमकर प्रशंसा की। संचालक मोहम्मद गफार खान ने बताया कि KGN इंटरप्राइजेज में सभी प्रकार के हार्डवेयर के सामान उपलब्ध हैं और इन वस्तुओं की खरीदारी पर फिलहाल 15% की छूट दी जा रही है। मौके पर मनोज शर्मा, पिंटू शर्मा, मोहम्मद सानू, मोहम्मद जमील समेत कई लोग मौजूद थे। KGN इंटरप्राइजेज भारत फर्नीचर में 1 महीने 15% की छूट है। हमारे यहाँ पर पलंग, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, स्टूल, डोर फिटिंग का टोटल आइटम मिलेगा। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र हनुमाना डैम के समीप व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेलहर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान बारा गांव निवासी संतोष पंडित के रूप में हुई है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर लोगों का फूटा आक्रोश, आगजनी कर भिखनपुर बरेपुरा मुख्य मार्ग को किया जाम। गरीबों का निवाला छीनकर अनाज का लावाजारी करने वाले 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में सरकारी अनाज बरामद। नगर निगम सभागार में स्थायी समिति की हुई बैठक, निगम प्रशासन ने खुद संभाली जलापूर्ति व्यवस्था की कमान। सात निश्चय योजना में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बांका के कई पंचायतों में एक साथ हुई जांच, योजनाओं में मिली गड़बड़ी। और नाथनगर में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का हुआ समापन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।